ताकत किसकी है? एक तरफ तो जो दिल्ली के अंदर जो ए और बी टीम है, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, ये ए और बी टीम है, ये जिम्मेवारी से इसलिए बोल रहा हूँ, दोनों उम्मीदवार ये बात कर रहे हैं, निर्दलीय खड़े होने वाला उम्मीदवार भी ये बात कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है, मैं उसी विचारधारा का हूँ। आज विचारधारा आपकी है, उस पर ईमानदारी से बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर आप वोट मांगो। आप लोग 36 कौम का जो बैनर निकालते हो, कब ये बैनर निकलता है? जब आपकी आवश्यकता होती है, आपको ताकत चाहिए होती है, उस समय वो बैनर आप लोग निकालते हो। ये 36 कौम का बैनर आषाढ़ी के अंदर कोजाराम हत्याकांड के वक्त कहां गया था? कोजाराम को न्याय दिलाने के लिए वो 36 कौम का बैनर आपने नहीं निकाला था, उसकी आवाज दबाने के लिए 36 कौम का बैनर आप लोगों ने निकाला था। बेलता हत्याकांड के अंदर आप लोगों के पास एक सेकंड भी नहीं था कि उस पीड़ित के पास जाकर आप धारिस बनाओ। यह अंतर है कांग्रेस और आपकी विचारधारा के अंदर। आप अपने आदर्श मानते हो, आपको मुबारक, आपके आदर्श स्वर्गीय तन सिंह जी थे, आज भी है, आज भी आप उनकी बात करते हो, उनके विचार आप बाड़मेर की जनता के बीच में रखो। हमारे आदर्श चौधरी रामदास जी डोग क्या है, हम उनके विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे। कायमी सार्वजनिक तौर के ऊपर उनके विचार की आप करो। जो हम लोगों को खातेदारी का अधिकार, हम लोग मजदूर थे, 36 कौम के लोग मजदूर थे, रामदास जी डोकिया ने खातेदारी का अधिकार 3 NC Act के माध्यम से हम लोगों को मजदूर से किसान बनाने के लिए हमारे आदर्श ने संघर्ष किया था और फैसला करवाया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जिनको आदर्श कह रहे हो, उस वक्त विधानसभा के अंदर इस खातेदारी के अधिकार के लिए उन्होंने क्या बात करी, उनके क्या विचार थे, उनकी क्या बात थी? आप बाड़मेर के अंदर 36 कौम के बीच में ये बात रखे, आज हमारे विचार रखेंगे, हमारे विचारधारा रखेंगे, जो किए हुए काम रखेंगे, भविष्य में जो काम करने वो लोग हम काम करेंगे। नौजवान साथियों, जो ये सोशल मीडिया के अंदर बाकी ताकत है, लोग कहते हैं वो अकेला लड़वा, वो अकेला नहीं लड़वा है, वो तमाम ताकतें लड़वी है। जो धन बल है वो किसका है? वो अपना खुद का है, किसानों का है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर लूट बची हुई है, कोचिंग क्लास, कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से लूट बची हुई है, हमारे किसानों के परिवार के जेबों पर डाका डालकर वो लोग पैसा हम लोगों से लूटते हैं, और वही पैसा आज किसान की आवाज दबाने के लिए, उम्मीदवार की आवाज दबाने के लिए हम लोगों को चुनाव के अंदर बाड़मेर की धरती के ऊपर आज वो लूटा हुआ पैसे की ताकत से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये मैं जिम्मेवारी से बोलता हूं। अगर इस सवाल के ऊपर चर्चा करना चाहिए, बहस करना चाहिए, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन से प्रायोजक हैं? एक टीम को तो अडानी और अंबानी, बी टीम को कौन कर रहा है? ये उम्मीदवार आम बेनीवाल को प्रायोजित कौन कर रहे हैं? हम आज 1 लाख लोग आए हैं, हमारी जेब की ताकत से, हमारी ताकत से ये उम्मीदवार आम बेनीवाल चुनाव लड़वा है। और वो लोग किनकी ताकत से चुनाव लड़वे हैं, वो किनकी ताकत से, ये ईमानदारी से बात करें, वो कोचिंग संस्थाओं के एक एक नौजवान साथी को अच्छी तरह से पता है। आज उन संस्थाओं के अंदर उन युवा उन विद्यार्थियों से आप उनको गाने बजाकर और नचाने से बाड़मेर के मतदाता विचलित नहीं होंगे। बाड़मेर के विद्यार्थी, बाड़मेर के नौजवान बहुत जागरूक है। इन चुनाव के अंदर हम हमारी योजना लेकर जाएंगे, ये बात करते हैं, जो काम हम लोगों ने, आपने हम लोगों को ताकत दी, उस ताकत का उपयोग आप लोगों के लिए किया, पाले और शीतलहर का फैसला किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा में शामिल कराकर और किया।
रिफाइनरी का फैसला किया, सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर केंद्र के अंदर शामिल करकर, खैर का अगर सिंधी मुसलमानों का कोई है तो आप लोगों की ताकत का इस्तेमाल करने वाले लोग है जो खैर का। आज अल्पसंख्यक ब्लॉक के बारे में जो फैसला हुआ वो किसने किया? 2 अप्रैल के दिन देश के अंदर जो आंदोलन हुआ, आपकी विचारधारा उस आंदोलन के पक्ष में थी या आंदोलन के खिलाफ थी? यह आज बाड़मेर की जनता के बीच में आप लोगों के दी हुई ताकत से, ये रूपाराम मेघवाल बैठे तनोड के अंदर, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब तनोड के अंदर आई उस दिन रूपाराम मेघवाल ने अपने लिए पद नहीं मांगा, हरीश चौधरी ने अपने के लिए कुछ नहीं मांगा। ये बात करी जो 2 अप्रैल के अंदर जो अन्याय हुआ हुआ है उन केसों को विड्रॉ करो और 5 साल के अंदर उन तमाम केसों को विड्रॉ करवाया, क्या ये चीज सही है या वो चीज? आपकी ताकत का उपयोग कौन किस दिशा के अंदर कर रहा है? ये जो कुप्रचार किया जा रहा है, ये जो अहंकार से ऐलान किया जा रहा है, 2 दिन पहले हम ऊंटों से बाड़मेर में आएंगे, आप ऊंटों के भरोसे आना, ये बाड़मेर के 1 लाख जनता अपने पैरों के भरोसे आज बाड़मेर में आ गई है। ये दुनिया में देख लो, उत्तरलाई से भी 5 किलोमीटर दूर जाम लगा हुआ है, चौटन चौराहे से भी 5 किलोमीटर दूर जाम लगा हुआ है, पर ये ऊंटों के भरोसे नहीं आई है, ये हवाई जहाज के भरोसे नहीं आई है, ये जनता अपनी ताकत से अपने खुद के भरोसे ही आई है। आपने बोला हम ऊंटों पर आएंगे, दुनिया देख लेना कल वो ऊंटों पर आती या नहीं आती है। हम लोग हमारे पैरों के भरोसे आई है, दुनिया देख लो, ये 1 लाख लोग जो आए हुए हैं वो अपने पैरों के भरोसे आई है, और फैसला आप लोग कर लें। आने वाले समय के अंदर इस चुनाव के अंदर कई तरह के विवाद ये लोग करेंगे, आज 1 लाख की जो ये लोगों की जन सैलाब है उसके भरोसे आप लोग नहीं लेना। मेरा आप तमाम लोगों से, 36 कौम के लोगों से, क्योंकि हम लोग राजनीति सियासत वोटों की नहीं करते हैं, हम जय भीम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं। मेघवाल हम लोगों के लिए मतदाता नहीं है, मेघवाल हम लोगों के लिए भाई है, मेघवाल का हाथ अंदर पकड़ रखा है। हम मिट्टी के अंदर जिस दिन जाएंगे जब तक हम ये हाथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों का हाथ हम लोगों ने पकड़ा है तो मिट्टी में जाएंगे उस दिन तक हम ये हाथ हम लोग नहीं। हमने कल भी चौधरी का, हम लोगों ने विष्णुओं का, सुतारों का, नायों का, दर्जी का, तमाम समाज का जो हाथ पकड़ा है, इनको वोटों के समय हम लोग याद नहीं करते हैं, भीलों को वोटों के समय याद नहीं करते हैं। इन भीलों के लिए क्या होना चाहिए? जब भी ताकत हम लोगों को कलम से मिलती है उस वक्त हम उसकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, यह आप सब लोग अच्छी तरह से देखते हैं। ये लोग कई तरह के स्वांग लचाएंगे, जो करोड़ों रुपए हमारी जेब से ढाका डालकर, जो सोशल मीडिया के अंदर जो गलत उन्होंने अकाउंट बना रखे हैं, 3 नंबर हॉस्टल, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, बाईतू के ढाणी से जिसके परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ा, जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जब चुनाव लड़ा उस वक्त भी 3 नंबर हॉस्टल था, और जो नतीजा उस समय निकला, 3 नंबर हॉस्टल की क्या स्थिति आई।